सो फाइनली टुडे वी हैव द पॉलीगन बेंड R2 जो कि पॉलीगन बाइक्स के तरफ से एक ग्रेवल सीरीज की बाइक है. सो चलो फटाफट इसका पूरा स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं एंड देन वी विल सी हाउ वेल दिस बाइक परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द टेस्टिंग. सो वील स्टार्ट विद द फ्रेम फर्स्ट. तो पॉलीगन बेंड R2 का जो पूरा फ्रेम है ये ALX ग्रेवल सीरीज ओरिएंटेड पूरा फ्रेम है. इंटरनल केबल राउटिंग के साथ पूरा बाइक आता है एंड फ्रंट का जो हेड ट्यूब है वो हमको टेपर्ड हेड ट्यूब मिलता है. रियर में यहाँ पे पॉलीगन ने पैनियर लगाने के लिए अच्छे खासे ऑप्शंस को हमको प्रोवाइड किया गया है एंड इस फ्रेम में आपको ड्रॉपर पोस्ट का जो सपोर्ट है वो पहले से लगा हुआ मिलता है. यस, यू कैन इजीली इंस्टॉल ए ड्रॉपर पोस्ट. उसी के साथ साथ पॉलीगन ने काफ़ी सारे एडिशनल एक्सेसरी माउंट्स इसमें प्रोवाइड किया है. यू कैन इजीली इंस्टॉल 2 वाटर बॉटल होल्डर्स. आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और भी यहाँ पे लगा सकते हो इन केस इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ टूरिंग ओरिएंटेड राइड. तो आप यहाँ पे अच्छा खासा अपना पैनियर या फिर किसी बैग को भी आप काफ़ी इजीली फिट कर सकते हो. जो ओवरऑल फ्रेम का डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, सॉलिड फ्रेम डिज़ाइन है एंड दिस ईयर्स पॉलीगन बेंड R2 आप कलर यहाँ पे देख सकते हो हमको इस तरीके से पूरा मिलता है जहाँ पे कैमोफ्लाज कलर यहाँ पे यूज़ किया गया है. उसी के साथ साथ ऊपर हमको एक पर्ल ब्लूइश कलर काइंड ऑफ पूरा जो सैटिन फिनिश है वो इस बाइक के ऊपर हमको मिलता है देखने में फ्रेम के ऊपर. ये जो पूरा फ्रेम है ये एक थ्रू एक्सल फ्रेम है. यस, बोथ फ्रंट एंड रियर हमारा थ्रू एक्सल के साथ आता है. एज कम्पेयर टू क्विक रिलीज एक थ्रू एक्सल फ्रेम का जो स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एंड ग्रेवल ओरिएंटेड राइड हो, रोड राइडिंग हो या फिर ट्रेल्स में भी अगर आप इसको एज अ कैजुअल राइडिंग के लिए लेके जाना चाहते हो तो वहाँ पे ये फ्रेम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है. नॉट ओनली दैट, इवन द वेल्डिंग फिनिशेज आर क्वाइट स्मूथ एंड गुड. सो ओवरऑल फ्रेम का डिजाइनिंग काफी अच्छा है पॉलीगन बेंड के सीरीज में. फ्रंट का जो फोक है ये कार्बन फोक है एंड एज यू कैन सी हियर ये ग्रेवल सीरीज ओरिएंटेड पूरा जो फोक है उसको उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है. फोक के ब्लेड की थिकनेस काफी ज्यादा है. अलॉन्ग विद दैट ये फोक भी आपको थ्रू एक्सल कंपेटेबल मिलता है. ये थ्रू एक्सल के साथ आता है. प्लस यू कैन ऐड एडिशनल फेंडर्स ऑन द फ्रंट. आप बहुत इजीली इसके फेंडर्स भी लगा सकते हो एंड अगर आपने पैनियर रैक्स लगाने हैं आप उसको भी अपने फोक के साथ पूरी तरीके से अटैच कर सकते हो. फोक में जो वायरिंग है वो इंटरनली की है पॉलीगन ने. इंटरनल केबल रूटिंग के साथ भी ये फोक आता है एंड काफ़ी लाइट वेट है. ओवरऑल फोक के वजह से ही ये जो ओवर पूरी बाइक है ना ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो जाती है. तो इस बाइक में जो हमको बोथ फ्रंट एंड रियर में जो व्हील सेट मिलता है वो डबल वॉल्ड एलॉय का व्हील सेट है. 650B/21C के व्हील सेट्स हैं. दैट मीन्स जो इसके इनर विद है रिम की वो 21mm की है एंड साथ ही साथ जो टायर्स इसमें हमको मिलते हैं वो वी टायर कॉर्पोरेशन के तरफ से 650B/47C का ये टायर्स है. टायर्स के जो ट्रेड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत नॉमिनल ट्रेड्स हैं. दैट मीन्स कि रोड पे जो ओवरऑल राइडिंग का कम्फर्ट है प्लस जो रेजिस्टेंस है वो तो कम मिलता ही है. साथ ही साथ जब आप ट्रेल्स में राइड करते हो, ग्रेवल पाथ में राइड करना चाहते हो तो वहाँ पे भी इनकी रोलिंग काफ़ी स्मूथ एंड फास्ट आपको मिलती है. बेंड R2 का जो पूरा ड्राइव ट्रेन है दिस इज अ 2x9 ड्राइव ट्रेन. फ्रंट में हमको 2-speed का एलॉय क्रैंकसेट मिलता है विद शिमानो सोरा फ्रंट डीरेलर. 2-speed का फ्रंट डीरेलर है. रियर में हमको शिमानो सोरा का 9-speed का रियर डीरेलर अवेलेबल है विद शिमानो 9-speed कैसेट. नाउ ये जो कैसेट है ये एक MTB कैसेट है एंड जो फ्रंट का क्रैंकसेट है इट हैज़ द कैपेबिलिटी कि अगर आप चाहो इन फ्यूचर में आप इसके रिंग्स को निकाल के इसको एक 1x9 की बाइक बहुत इजीली बना सकते हो. बॉटम ब्रैकेट जो इस बाइक में है वो हमको कार्ट्रिज बॉटम ब्रैकेट मिलता है. इस बाइक के अगर कॉकपिट की हम बात करें तो फ्रंट का जो हैंडल बार है वो हमको एंटिटी एक्सपर्ट के तरफ से मिलता है. एलॉय का हैंडल बार है, ग्रेवल फोकस्ड हैंडल बार है जिसके वजह से बाइक के हैंडल बार का जो पूरा डिज़ाइन है उसके एंड का जो कर्व है वो बाहर की तरफ है तो कंट्रोल काफ़ी अच्छा आपको मिलता है. बाइक पे जो ग्रिप्स हमको दिए गए हैं वो काफ़ी थिक एंड बहुत ही सॉफ्ट ग्रिप है. सो ओवरऑल जो कंफर्ट मेरे को अभी तक इस बाइक के हैंडल बार में मिला है वो काफ़ी अच्छा मिला है. 90mm का NTT की तरफ से हमको एलॉय का स्टेम मिलता है. इसमें जो हेडसेट हमको इस बाइक में मिलता है वो FSA ब्रांड की तरफ से है. बाइक का सैडल हमको NTT ब्रांड की तरफ से प्रोवाइडेड है. सॉफ्ट कुशनी सैडल है ये एंड साथ ही साथ NTT एक्सपर्ट का जो हमको यहाँ पे सीट पोस्ट है वो मिलता है. ब्रेकिंग इस बाइक में हमको टेक्ट्रो ब्रांड के तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं विद टेक्ट्रो माइरो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक कैलिपर्स एंड बोथ फ्रंट एंड रियर में हमको 160mm के डिस्क ब्रेक रोटर्स मिलते हैं. सो नाउ दैट वी नो ऑल द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस बाइक लेट्स टॉक अबाउट हाउ वेल दिस बाइक राइड्स ओवरऑल. सो व्हेन यू आर राइडिंग दिस बाइक ऑन द रोड यू विल फील दैट इवन दो इट्स अ ग्रेवल सीरीज रोड बाइक
जिसके टायर्स मोटे हैं, काइंड ऑफ की एक हाइब्रिड से भी थोड़े से ज़्यादा मोटे हैं, बट इवन आफ्टर दैट ये जो बाइक है ये रोड पे बहुत ही स्मूथली राइड करती है। बाइक का फ्रेम ज्योमेट्री इतना ज़्यादा प्यारा है कि जब आप इस बाइक के ऊपर राइड करते हो तो एक इंस्टेंट कम्फर्ट आपको मिलता है, एंड वही चीज़ मैंने भी सेम इस बाइक में फील किया है। व्हेन आई रोड दिस बाइक ऑन द रोड तो मेरे को जो ओवरऑल कम्फर्ट था इस बाइक के ऊपर वो काफ़ी अच्छा मिल रहा था। रोड बाइक में क्या होता है कि जब आप राइड करते हो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपके शोल्डर के ऊपर या आपके बैक के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पॉइंट आपको नज़र आता है, बट इस बाइक में एटलीस्ट मेरे को वो फील नहीं हुआ है। दिस इज़ अ साइज स्मॉल जो कि मेरे लिए एक परफेक्ट साइज़ है एज़ पर माई हाइट। तो आई वुड से कि अगर आप एक परफेक्ट साइज़ का बाइक अपने लिए चूज़ करते हो इन बेंड सीरीज़ तो आपको जो कम्फर्ट होगा वो वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रोड राइडिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी कि ट्रेल्स पे ये बाइक आपको कैसा कम्फर्ट देती है, क्योंकि ये एक ग्रेवल बाइक है। नाउ कंसिडरिंग हम लोग सिटी में रहते हैं तो यहाँ पे जो ग्रेवल पाथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, या तो हमको स्मूथ टारमैक रोड मिलता है या फिर हमको इस तरीके के लोकेशन में आके जहाँ पे एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है वहाँ पे राइड करनी होती है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट राइड या फिर मैं बोलूँ कि ट्रेल राइडिंग, तो ट्रेल राइडिंग में ये बाइक बहुत ही स्मूथ राइडिंग में एक्सपीरियंस मेरे को अभी तक इस बाइक के ऊपर मिला है। टायर्स का रोलिंग बहुत अच्छा है, बाइक का ज्योमेट्री काफ़ी प्यारा है, तो टायर्स के रोलिंग के वजह से टायर्स में जो स्मॉल ट्रेड्स हैं ब्लॉक मिडिल में एंड साइड में जो ट्रेड्स हैं उसके वजह से रोलिंग रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। साथ ही साथ जब आप कॉर्नरिंग करते हो या कहीं पर मोड़ते हो तो ग्रिप बहुत अच्छी है। 2:9 का गियरिंग रेशियोज़ होने के वजह से इनफ गियरिंग रेशियोज़ इस बाइक में एटलीस्ट हमको मिल जाते हैं कि हम ट्रेल को जाके बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। एंड सिंस इट्स अ ग्रेवल बाइक तो ग्रेवल बाइक में पॉलीगन ने हमको उसको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया है, जो कि हमने कम नॉर्मली देखा है कि अगर आप रोड बाइक में जाते हो तो वहाँ पे आपको रिम ब्रेक्स मिलते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू रिम ब्रेक जो डिस्क ब्रेक्स हैं इसका परफॉर्मेंस ऑल वेदर कंडीशन में हमेशा बेटर होता है। एंड इस बाइक के साथ क्योंकि ये ग्रेवल बाइक है तो कल को अगर आप इसको वेट वेदर में भी राइड करते हो ना, यानी कि जब मानसून का सीजन हो, आपको ट्रेल पे जाके अपने दोस्तों के साथ एक ग्रेवल ओरिएंटेड राइड बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना हो, तो ये बाइक में आप काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो बिकॉज ऑफ द डिस्क ब्रेक, प्लस जो व्हील सेट हैं वो भी बहुत इजीली आप उनको ट्यूबलेस में बना सकते हो, तो पंक्चर का चांस काफ़ी कम हो जाता है, कंफर्ट अच्छा मिलता है, तो ग्रेवल पाथ में जाके आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाओगे। अभी तक मैंने इसको जितना ग्रेवल एंड ट्रेल्स में राइड किया है मेरे को इस बाइक में बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट मिला है। तो अभी तक हमने इस बाइक के सारे प्रोज देखे हैं, चलिए बात करते हैं कुछ कॉन्स के। नाउ सो नंबर वन कॉन विच आई फाउंड आउट ऑन दिस बाइक, ये एक ग्रेवल ओरिएंटेड बाइक है तो इसके फ्रंट में जो हमको बॉटम ब्रैकेट मिलता है वो स्क्वायर टेपर्ड है। आई वुड हैव रियली एंजॉयड और लाइक कि अगर ये स्क्वायर टेपर्ड बॉटम ब्रैकेट ना होके इसमें अगर हमको एक हॉलोटेक बॉटम ब्रैकेट का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता। सेकेंड फीडबैक और कॉन नंबर टू कि ऑन द वेबसाइट पॉलीगन बेंड R2 में लिखा हुआ है कि इसमें हमको ट्यूबलेस रेडी टायर्स मिलता है, बट एट द करेंट जो हमारे पास यहाँ पे बाइक है इसमें ट्यूबलेस रेडी टायर ये है कि नहीं उसका हमको श्योरिटी नहीं है, बिकॉज टायर के ऊपर किसी भी तरीके का मार्किंग नहीं है। जो जनरली हमने देखा है कि जितने भी ट्यूबलेस रेडी टायर्स आते हैं उसमें एक ट्यूबलेस रेडी का हमको स्टिकर या ब्रांडिंग उसमें नज़र आ जाता है। तो आई थिंक या तो ये टायर ट्यूबलेस रेडी नहीं है या फिर ये ट्यूबलेस रेडी है, बस इसमें ब्रांडिंग या वो जो मार्किंग होता है वो नहीं है। तो आई वुड रियली लाइक टू से पॉलीगन कि अगर ये कहीं पे मिसमैच है या टायर्स का या फिर ब्रांडिंग का, सो दे शुड टेक केयर ऑफ इट, या फिर शायद उन्होंने वेबसाइट पे गलत लिख दिया होगा तो उसके रिगार्डिंग आपको इसका इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट करना पड़ेगा। पॉलीगन बेंड R2 का जो वेट है वो अराउंड 12.5 से 13 किलोग्राम्स के बीच में है। ऑल्दो ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगता है बट इन रियलिटी जब मैं इस बाइक को चला रहा हूँ या मैं इसको उठा रहा हूँ मेरे को कहीं से भी फील नहीं हो रहा है कि ये 13 किलोग्राम्स या फिर 12.5 किलोग्राम्स के बीच की बाइक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये समवेयर बिटवीन 11.5 की बाइक है। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग तो इस बाइक का जो प्राइस है हमारे इंडिया में वो है 84,990 एट द करंट टाइम। इन केस यू हैव सम मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस बाइक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल टू सी सम मोर कंटेंट्स रिगार्डिंग दिस बाइक एंड ट्रेल राइड्स। आई सी यू विद सम मोर वीडियोज। अंटिल देन बाय बाय।